Hello students, good morning. And how are you all? Are you ready to study? Okay, so let's continue with the chapter. And we are studying lesson 11. It's a poem, Cricket, and written by Salil Dhawan. Okay, so students, open your book and see page number 94. Okay, and today I will give you explanation of this poem. So listen carefully. ध्यान से सुनिएगा. And everyone look in your book. बुक में देखिए पेज नंबर 94. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. एंड आई होप यू ऑल हैव डन योर होमवर्क एंड दैट इज फोर लाइन पोयम. ओके, सो आई होप यू ऑल हैव डन इट. क्रिकेट इज अ वंडरफुल गेम फ्रॉम विच प्लेयर्स गेट फेम. क्रिकेट क्या है? एक बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाला खेल है जिसको खेलने वाले जो होते हैं खिलाड़ी, वो बहुत ही ज्यादा उनका नाम होता है, प्रसिद्धि होती है, उन्हें लोग पहचानते हैं. ये खेल ऐसा है कि इसको बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, देखते हैं, और इस खेल को खेलते हैं जो लोग, उनका बहुत ही ज्यादा वो फेमस होते हैं, उनका नाम होता है. सम पीपल वॉचिंग आर टेंस व्हेन दे सी द अपोजिशन हिट द बॉल टू द फेंस. सम पीपल वॉचिंग आर टेंस, और इसको देखने वाले कुछ लोग बहुत ही ज्यादा टेंशन में आते हैं, परेशान हो जाते हैं. कब? व्हेन दे सी द पोजिशन हिट द बॉल टू द फेंस. फेंस क्या होता है? बाउंड्री होती है, घेरा होता है, जो ग्राउंड होता है. आपने देखा होगा क्रिकेट कहाँ खेला जाता है? स्टेडियम में खेला जाता है. तो इसमें उसको देखने के लिए क्या होता है? स्टेडियम में जाने के लिए आपको टिकट लेना होता है, और उसमें जो भी आपके जो फेवरेट टीम होती, क्योंकि दो टीमें होती हैं, तो आप किसी एक को फेवर कर रहे होते हैं. तो जिसको आप फेवर कर रहे हैं, उसके जो विरोधी टीम है, दूसरी टीम, अगर उसके प्लेयर्स अच्छा खेल रहे होते हैं और वो सपोज बैटिंग कर रहे हैं, तो जब उनकी बॉल कहाँ जाती है? बाउंड्रीज पे, ठीक है, चौका और छक्का लगता है. आप जानते हैं बाउंड्री को क्रॉस कर जाती है जब बॉल, तो वो छक्का होता है, और बाउंड्री को जब छूती है, ठीक है, तो वो चौका होता है. तो जब वो बाउंड्रीज पे उनकी गेंद जाती है तो लोग परेशान हो जाते हैं, ठीक है. सम पीपल बाय टिकट्स टू वॉच द बॉलर्स टेक विकेट्स. और कुछ लोग स्टेडियम में जाते हैं मैच को देखने के लिए. क्या देखने जाते हैं? कि जो बॉलर्स हैं, बॉलर्स कौन होते हैं? गेंदबाज, ठीक है, जो बॉल फेंकते हैं तो वो बैट्समैन को आउट करते हैं, ठीक है. तो इसलिए वो जाते हैं ताकि वो देख सकें कि जो बॉलर्स हैं वो किस तरह से विकेट ले रहे होते हैं. जब कोई प्लेयर आउट होता है, जो बैट्समैन है आउट होता है, तो उसको हम विकेट कहते हैं. ओके, देयर इज अ बैट्समैन हु वर्क्स हार्ड टू कंसंट्रेट, देयर इज अ बॉलर हु ट्राइज टू मेक हिम फ्रस्ट्रेट, एंड देयर इज एन अंपायर हु ऑलवेज मेक द राइट डिसीजन. यहां पर बैट्समैन है, इसमें एक बैट्समैन होता है जिसका काम क्या होता है, वो बहुत ही ज्यादा ध्यान लगाता है अपने उस बॉल पे, उस गेंद पे फोकस करता है, ध्यान लगाता है, उसका केंद्रित होता है, क्योंकि अगर उसकी जरा सी नजर हटती है तो वो आउट हो सकता है. तो बहुत ही मेहनत करनी होती है अपने ध्यान को फोकस करने के लिए. और बॉलर क्या करता है? इसमें एक बॉलर होता है इस खेल में, हु ट्राइज टू मेक हिम फ्रस्ट्रेट, और वो उसको क्या करता है? वो उसका ध्यान भंग करने की कोशिश करता है, वो उसे हताश करता है, निराश करता है, ताकि वो उसका ध्यान भंग हो जाए, जिससे वो आउट हो जाए. और इसमें देयर इज एन अंपायर, एक अंपायर होता है, आपको पता ही है अंपायर विकेट के पीछे होता है, हु ऑलवेज मेक्स द राइट डिसीजन, जिसका काम क्या है? हमेशा निष्पक्ष निर्णय देना, ठीक है, सही निर्णय देना. टू हेल्प द प्लेयर्स हु आर आउट टू अकम्प्लिश अ मिशन. तो जो प्लेयर्स इस खेल को खेलने के लिए आए हैं, मतलब उनका ये जॉब है, एक टास्क है जिसको उन्हें पूरा करना है, ठीक है, खेलना है पूरी ईमानदारी से, तो उन प्लेयर्स की हेल्प करना किसका काम है? अंपायर का काम है, क्योंकि दोनों ही तरफ के जो प्लेयर्स होते हैं वो पूरे सेटिस्फाई होने चाहिए. उन्हें अपना खेल, जो भी वो खेल रहे हैं, उसमें अगर राइट डिसीजन होता है तो क्या होते हैं? सेटिस्फाई होते हैं, अदरवाइज उनके अंदर सेटिस्फेक्शन नहीं होता. तो ये भी डिसीजन अंपायर के हाथ में होता है कि अगर वो सही डिसीजन लेता है तो ऐसा कुछ नहीं होता है. बट दीज डेज देर इज अ लॉट ऑफ केओस इन क्रिकेट. इसे क्या पढ़ते हैं? केओस. केओस मींस क्या होता है? देख लीजिए, यहाँ पे मैंने लिखा है केओस, अव्यवस्था या अराजकता, ठीक है, अव्यवस्था या अराजकता, गड़बड़ी, आप कुछ भी कह सकते हैं. तो लेकिन आजकल क्रिकेट में क्या हो रहा है? पूरी ईमानदारी नहीं है, गड़बड़ी है, अराजकता, अव्यवस्था. क्रिकेट के खेल में भी ये चीजें धीरे धीरे देखने को मिल रही हैं.
because the players play deliberately bad on the wicket. जबकि हम उम्मीद करते हैं कि जो क्रिकेट का खेल है वो सही ढंग से खेला जाए, और जो प्लेयर्स हैं ये जो कियोस है वो क्यों है क्रिकेट में, क्योंकि आजकल जो प्लेयर्स हैं वो जानबूझकर खराब प्रदर्शन करते हैं. कहाँ पर? ग्राउंड में. वो जल्दी आउट हो जाते हैं या अच्छी बॉलिंग नहीं करते, अच्छी बैटिंग नहीं करते. तो ये सब क्या है, मतलब वो जितना वो कर सकते हैं अच्छा वो अच्छे से ढंग से खेलते नहीं, तो जानबूझकर ऐसा करते हैं. ये चीजें आजकल क्रिकेट में देखने को मिल रही हैं. आई होप क्रिकेट इज प्लेड सिंसियरली, और उम्मीद करते हैं कि क्रिकेट का जो खेल है वो पूरी ईमानदारी से खेला जाए, सो दैट एवरी वन कैन एंजॉय इट हैप्पली, जिससे कि इस खेल का पूरी तरह से आनंद लिया जा सके. क्योंकि ये खेल इतना पॉपुलर है, इतना प्रसिद्ध है, और लोगों के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है इस खेल को लेकर के, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग इसे पसंद करते हैं. तो ऐसे में वो चाहेंगे कि ये खेल पूरी निष्पक्षता के साथ, ईमानदारी के साथ, जो प्लेयर्स हैं अपनी जितनी उनके अंदर कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, जितनी प्रतिभा है, अच्छे से उसका यूज़ करें और अच्छे ढंग से खेलें, तभी इस खेल का आनंद लिया जा सकता है. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड दीज थिंग्स. आपको समझ में आया होगा. यहाँ पर कुछ वर्ड हैं. कंप्लीट का होता है पूरा करना, खत्म करना. फ्रस्ट्रेट मीन्स होता है हताश, अपोजिशन विरोध, फेंस घेरा. सो स्टूडेंट्स यू रीड दिस पोयम एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसे समझने की कोशिश करिए और वर्ड मीनिंग लर्न कर लीजिए फोर लाइन पोयम. एंड टुमारो आई विल गिव यू नेक्स्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस लेसन. ओके, थैंक यू.